नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हम एक महिलाओं को होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, योनि में खुजली। योनि में खुजली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हर महिला को अपने जीवन में एक से एक बार तो ये ज़रूर होती है, चाहे वह 12 साल की छोटी सी लड़की हो या 50 साल की महिला हो। योनि में खुजली हर तरह की महिलाओं को परेशान कर सकती है। अब ये योनि में जो खुजली होती है ये क्यों होती है? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो योनि में खुजली होती है वो एक फंगल इन्फेक्शन है। इसको हम यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं और एक कीटाणु कैनेडा के कारण होता है। देखा जाए तो जो योनि में हमेशा ही ये फंगस रहते हैं और जब हमारी योनि में कुछ बदलाव आते हैं, बदलाव का मेरा मतलब है कि अगर हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स का बदलाव आता है तो इससे जो हमारा योनि का केमिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और जो फंगस जो कैनेडा वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पैदा होने शुरू जाते हैं और इस कारण हमें योनि में खुजली या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि योनि में खुजली क्यों होती है। योनि में जो खुजली होती है उसका सबसे पहला कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो होता है हॉर्मोन्स का बदलाव। हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन नामक हॉर्मोन्स होते हैं और ये हॉर्मोन्स का जो बैलेंस होता है ये पूरा हमारा मासिक चक्र के दौरान ये ऊपर या नीचे हॉर्मोन्स हो सकते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में हॉर्मोन्स का बदलाव आता है, जैसे कि महीने से पहले आ रहा है या महीने के तुरंत बाद आता है, ये जो हॉर्मोन्स का बदलाव आता है इससे जो हमारी योनि का वातावरण है उसका केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है और महिला को खुजली होनी शुरू हो जाती है। योनि का जो केमिकल बैलेंस खराब होता है, ये जो बिगड़ता है, ये एंटीबायोटिक्स के कारण भी हो सकता है। जैसे कि आपको जुकाम या खांसी हुई या आपने टाइफॉइड की दवाइयाँ ली या कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर ने दिए, जब आप इनका सेवन करते हैं तो उस समय भी आपकी योनि के अंदर हॉर्मोन्स बदलते हैं, केमिकल बैलेंस खराब हो जाता है और आपको योनि में खुजली हो सकती है। महिला को योनि में खुजली तब भी होती है अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं। कई बारी गर्भ निरोधक गोलियां वैसे तो अच्छी होती हैं, फायदेमंद रहती है, बट कई महिलाओं को उससे योनि में खुजली हो सकती है। योनि में खुजली होने का एक बहुत बड़ा कारण है और वो है योनि का गीलापन रहना। अगर आप अपनी योनि की साफ सफाई नहीं करते हैं तो योनि में जो फंगल इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कई महिलाएं अपनी योनि को अब पेशाब करने के बाद हर बार आप बार बार उसको धोते हैं। ऐसे करने से अगर वो जगह जो है, अगर योनि के आसपास का क्षेत्र ये गीला रह जाता है, तब भी वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होना यानी योनि में खुजली होना हो जाता है, ये आम सी बात है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें योनि को सूखा रखना है। अगर हम उसे गीला छोड़ेंगे तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ हमें ध्यान देना है कि वहाँ पर ज़्यादा पसीना ना आए। अगर आप कोई टाइट पैंटी पहन रहे हैं या आप कोई नायलॉन पैंटी पहन रहे हैं तो आपको योनि के आसपास बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और इस पसीना में भी और इस पसीने वाले गीले माहौल में भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा योनि का इन्फेक्शन जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत ज़्यादा होता है। योनि में खुजली तब ज़्यादा होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में भी आपके हॉर्मोन्स जो हैं उस पर बदलाव आता है। योनि की जो खुजली होती है वो शुगर की बीमारी वाले महिलाओं में भी ज़्यादा होती है। अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम है और आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो ऐसे इस समय आपको योनि में खुजली हो सकती है। योनि में खुजली उन महिलाओं में भी ज़्यादा होती है जिनकी जो शारीरिक हेल्थ है वो सही नहीं है, वो कमज़ोर रहती हैं और जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेती हैं। हो सकता है कि आपका खाना पीना सही ना हो, ऐसे में आपको योनि में खुजली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो योनि में खुजली ये STD नहीं होती। STD का मतलब है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी ये सेक्स से नहीं फैलती। बट ऐसा हो सकता है कि जब आप सेक्स करती हैं तो आपके जो हस्बैंड का सीमन है उसमें जो फंगस या यीस्ट होता है उससे आपको रिएक्शन हो जाए, वो आपकी योनि की परत को इरिटेट करे और खुजली हो सकती है। इसके अलावा
जब हमें योनि में खुजली होती है तो उसके साथ साथ हम क्या क्या महसूस करते हैं और क्या परेशानियां उसके साथ हो सकती है। योनि में जो खुजली होती है वो रात को ज़्यादा होती है और देखते हैं कि कई बारी खुजली के साथ साथ एक गाढ़ा सफ़ेद या पनीर की तरह पदार्थ भी योनि में से निकलता है। कई महिलाओं को योनि में जब खुजली होती है तो उनको पेशाब में भी जलन हो सकती है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि योनि में खुजली का उपचार क्या है, पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए और रोज़ हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ को ज़रूर देखें। जब आपको योनि में खुजली होती है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या नहीं करना है। अगर हमें योनि में खुजली होती है तो हमें सबसे पहले कुछ दिनों के लिए सेक्स नहीं करना है। दूसरा, हमें वहाँ पर ज़्यादा खुजली नहीं करनी है। अगर आप वहाँ पर खुजली करती रहेंगी तो जो हमारे योनि का परत है उसमें सूजन आ जाएगी और खुजली और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसके साथ साथ मैंने देखा है कि कई महिलाएं जब योनि में खुजली होती है तो वो पानी में थोड़ा सा डेटॉल डालकर धोती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो योनि में सूजन भी होगी और साथ में खुजली बढ़ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले योनि को धोना है, उसके बाद हल्के मुलायम कपड़े से और हल्के हल्के हाथों से योनि के आसपास का जो क्षेत्र है उसको सुखाना है। फिर हम दो तरह की क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप केमिस्ट पे जाकर कैनिस्टीन क्रीम खरीद सकती हैं या आप कैंडिड क्रीम खरीद सकती हैं। दोनों ही क्रीम जो होती है वो फंगस को जड़ से ख़त्म करती है, इसलिए आपको ये क्रीम जो है वो दिन में 2 या 3 बारी योनि के क्षेत्र में और योनि के अंदर भी अगर आप लगा सकती हैं कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको इस क्रीम को लगाने से 3 या 5 दिन में खुजली में आराम नहीं आता तब आप एक एंटी फंगल की गोली भी ले सकती हैं। एंटी फंगल की जो गोली होती है वो फ्लूकोनाजोल की जो उसके अंदर फ्लूकोनाजोल होता है और ये ज़ोकॉन 150 mg के नाम से मिलती है। आप इस गोली का सेवन रात को सोने टाइम एक ही बार करेंगे और अगर एक बारी गोली खाने से आपको आराम नहीं मिलता है तो 3 दिन के बाद आप एक गोली दोबारा से ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि हमें योनि में जो खुजली है वो बार बार ना हो, हमें क्या करना है इससे बचने के लिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो हमें तभी लेनी है जब हमारे को शरीर में कोई बीमारी हो और डॉक्टर की सलाह से आप ले रहे हो और वो दवाई को लेना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है। इसके साथ अगर आपको लगता है कि आप बहुत देर तक टाइट कपड़े पहनती हैं या फिर जीन्स वगैरह या आप नायलॉन पैंटीज पहनती हैं तो आपको उसको कम करना है या उसको अवॉइड करना है ताकि आपको योनि में खुजली ना हो। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको योनि और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई रखनी है, सेक्स के बाद हमेशा साफ करना है और इस जगह को ज़्यादा गीला नहीं छोड़ना है। आपको इसको धोना ज़्यादा नहीं है बल्कि एक मुलायम से सॉफ्ट से कपड़े से आप इसको सूखा कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको ज़रूर लाभ देगी और अगर आपको योनि की खुजली के बारे में कुछ और जानकारी हमसे लेनी है तो कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकती हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।